नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं HM न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। शिवसेना ने इस मैनिफेस्टो को वचननामा का नाम दिया है। मैनिफेस्टो में गरीबों को 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने, किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी, केवल 1 रुपए में मरीजों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे लुभावनी योजनाओं की बात कही गई है। मातोश्री में घोषणा पत्र जारी करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने इस वचननामे में उन्हीं बातों को रखा है जिसे पूरा कर सकते हैं। यह वादा बहुत रिसर्च के बाद किया गया है। वचननामों में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। गरीब किसानों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके खेतों में पानी की व्यवस्था की जाएगी। बीज और फर्टिलाइजर की कीमतों में 5 वर्षों तक स्थिर रखने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण राज्यों की तर्ज पर शिवसेना ने 10 रुपए में एक थाली खाना देने का भी वादा किया है। इसके लिए प्रदेश भर में 10,000 भोजनालय बनाए जाएंगे। घरों में 300 यूनिट तक के बिजली दर में 30% की कमी करेंगे। धार्मिक यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। मुंबई शिरडी मार्ग पर शिरडी दर्शन के लिए पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए अलग से मार्ग बनाया जाएगा। राज्य के सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों का सामाजिक महत्व देखकर उन्हें अनुदान दिया जाएगा। साथ ही नौकरी में भूमि पुत्रों को 80% आरक्षण दिया जाएगा। इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। वन रूपी क्लिनिक के तहत महज 1 रुपए में इलाज किया जाएगा। ग्रामीण राज्यों में छात्रों को बस सुविधा दी जाएगी, जिसे विद्यार्थी एक्सप्रेस बस सेवा को नाम दिया जाएगा। गरीब लड़कियों को एजुकेशन तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले भाजपा और शिवसेना मिलकर एक साझा घोषणा पत्र जारी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कई विषयों पर आपसी सहमति न होने के कारण दोनों पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने पर सहमत हो गए। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच आरे कॉलोनी मामले और नाडार रिफाइनरी को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई। साथ ही शिवसेना 10 रुपए में थाली और 1 रुपए में इलाज जैसे लोक लुभावने वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाह रही थी। इसीलिए शिवसेना ने अपना अलग से मैनिफेस्टो जारी करने का फैसला किया। मैनिफेस्टो में किए वादों से जनता कितना प्रभावित होगी ये 21 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की चुनावी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।